मास्टर राजेश 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 नमस्कार साथियों, मैं मास्टर राजेश। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि बात पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, एक कहानी, छोटी सी कहानी है, नाम है थपाक। एक पति पत्नी की कहानी है जिसमें एक पति होता है वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, इतना प्रेम कि हर पल हर समय वो उसके साथ रहता है, परंतु पत्नी उससे ऊब जाती है और वो उससे पीछा छुड़ाना चाहती है। और देखते ही देखते कुछ दिन उसका हर पल दूर जाने का प्रयास रहता है, परंतु पति अपने सुबह और शाम दोनों समय अपने पत्नी के साथ रहता है और मुंह देखे बिना इधर उधर भी नहीं जाता। ऐसी एक कहानी है। इस कहानी को देखते देखते वो पत्नी उस हर बार उसको पीछा छुड़ाना चाहती है, तंग हो जाती है। तो एक दिन क्या करती है कि वो कहती है कि हम लुका छिपी का खेल खेलते हैं, और वो लुका छिपी का खेल खेलते हुए और वो छुप जाता है आदमी, और वो पत्नी देखती है कि मेरे को मौका मिल गया और वो अपनी पेटी उठा के अपने पियर चली जाती है और वहाँ अपनी माँ बाप के माता जी के पास बैठती है और कहती है कि मैं आज अपने पिए पति से छुटकारा पा के यहाँ आ गई। तो वो अपने जैसे ही वो अपने पेटी खोलती है तो उसके अंदर उसका पति निकलता है और उसके पीछे कहता है कि थप्पा, यानी एक आवाज देने की बात होती है, और वो माथा कूटती है कि मेरा पति यहां पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। ये एक छोटी सी कहानी थी। तो आपने क्या देखा? क्या वो पत्नी उससे पीछा छुड़ा रही थी या फिर पति पागल था? पति में प्रेम था परंतु उस पत्नी में ही संस्कार नहीं थे, उस पत्नी में ही ढंग नहीं थे कि वो उसको पीछा छुड़ाने के लिए लगी थी। इसलिए संस्कार जरूरी है। प्रेम तो प्रेम होता है, पत्नी के प्रति प्रेम, वो ऐसे ही एक प्रेम की कहानी हमारे पुस्तकों में लिखी गई है। तुलसीदास भी अपने पत्नी के प्रेम में बहुत ही पागल थी, और जब वो पत्नी अपने पीहर चली गई थी तब वो वहां पहुंच गए और अपने ऊपर जो एक रस्सी के द्वारा वो ऊपर पहुंच गए उसके कमरे तक। तब उस पत्नी ने केवल इतना कहा था कि अगर इतना प्रेम तू प्रभु से करता तो तेरे को भगवान मिल जाती, परंतु वो बात उसने मन में लगी कि जिसके लिए मैं इतना त्याग करता हूं, जिसके लिए मैं इतना समर्पण करता हूं और दुनिया सारी छोड़कर मैं जिसके पीछे भाग रहा था वो मेरे तिरस्कार कर रही है, उसने छोड़ दिया कि नहीं, आज से मैं इसका मुंह नहीं देखूंगा, और घर गृहस्थी छोड़ के अपने दूसरे कामों में रामचरितमानस लिखने में लग गई। तो इस प्रकार, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने परिवार को अहमियत देते हैं, अपने वो तिरस्कार सहन करते हैं और उसको साथ में भी वो अपने परिवार के साथ में रहना रहते हैं, तो वो इसलिए उसको तिरस्कार भी सहते रहते हैं और आगे भी अपने परिवार को अहमियत देते हुए उसके साथ रहते हैं। तो इसलिए केवल वो थपा कहानी अच्छी नहीं है, उसके अंदर क्या मकसद था वो भी सोचना पड़ता है। अगर वो आप में नहीं सोच सकते हो तो ये केवल थपा का आपका पीछा छुड़ाने वाला बात हो गई। पति या पत्नी केवल प्रेम का संबंध होता है, उनमें ये पीछा छुड़ाने वाली बात रही तो आपका जीवन कभी सफल नहीं होगा। इसलिए साथियों मित्रों, अपने जीवन को सफल, दूसरे के प्रेम को समझने की कोशिश करें। हर प्रेम की अपनी सीमा होती है, हर प्रेम का अपना तरीका होता है, और अगर वो प्रेम आप एक दूसरे के साथ नहीं रखते हैं तो आपका जीवन बेकार है। धन्यवाद। मास्टर राजेश
राजेश।